नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत सभी लोग कमेंट करके पूछे थे कि सर ये बताइए कि कम उम्र में बच्चे लोगों को लकवा फालिस की बीमारी क्यों हो जाती है, यानी कि 18 साल के बाद में जो है, जब उनकी 18 साल की उम्र हो जाती है तो उसके बाद में लकवा फालिस की बीमारी क्यों होती है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि खाना के प्रदूषण से हम लोग के शरीर में गर्मी महसूस होती है। आजकल देखते ही है कि कितना खाद खरीद दे करके गेहूं धान मकई जो है उपजाई जाती है। बहुत सभी लोग पहले क्या करते थे कि ठंडा सामान खाते थे, तो अब जो है वो ज्यादा होने के चलते गर्म हो या नरम हो, कोई भी खेती करता है तो वो नहीं समझता है कि कितना अनाज होगा कितना क्या होगा, वो सिर्फ नाफा के चक्कर में पड़ा है। इसके चलते लकवा फालिस की बीमारी क्यों होती है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। दोस्तों बहुत जो है वो खाना के प्रदूषण से लकवा फालिस की बीमारी हो जाती है, और ठंडी जो ठंडा चीज होता है वही लोग नहीं खाते हैं, तो ठंडा चीज नहीं खाने के कारण जो है वो लकवा फालिस की बीमारी हो जाती है। 18 साल के बाद के बच्चों लोगों को क्या करते हैं कि कभी कभी शरीर में गर्मी महसूस होती है, उस समय उनको शादी कर देना चाहिए। जो लोग शादी नहीं करते हैं और लड़का को शादी नहीं हुआ होता है, उन्हीं लोगों को कभी कभी शरीर में गर्मी महसूस होती है तो हस्तमैथुन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं उन्हीं लोगों को लकवा फालिस की बीमारी होती है या कोई भी बीमारी उत्पन्न पैदा हो जाती है, उसी समय जो है उस संभावना लकवा फालिस होने की रहता है। तो ऐसे ऐसे वीडियो की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। आजकल खाना में इतना प्रदूषण हो गया है और पानी में कि आप लोग अगर परख करके नहीं खाना खाएंगे नहीं पिएंगे तो उस समय लकवे फालिस की बीमारी होगी, दूसरा कोई बीमारी नहीं होगी। तो और जर बुखार जो है वो तो तुरंत ठीक हो जाता है, लेकिन लकवे फालिस की बीमारी जो है वो जल्दी नहीं ठीक होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इस बात पर आप लोग जरूर गौर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जहां भी रहे वहां बने रहे। माता दुर्गा जी से मैं यही रिक्वेस्ट हरदम करता हूँ कि आप लोग सारे देशवासी खुशहाल रहे। थैंक यू दोस्तों।